हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास प्लस टू के थर्ड चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारा एट्थ, क्या करना है हमें, सॉल्व करने हैं मैट्रिक्स को। तो हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में टू मैट्रिक्स स्टार्ट है, एक्स वाई जेड और टी प्लस थ्री, फिर मैट्रिक्स है 1-1 0 2 एंड देन है 3 इक्वल में है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है एंड 3 हम सॉल्व करेंगे इनको। तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम सभी के साथ, तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2z 2t प्लस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, 3 1 जा 3, फिर माइनस 3 फिर 0, फिर 3 into 2 6 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, फिर 15, फिर 12 और फिर 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 एंड सेकंड है 2y माइनस 3, 2z प्लस 0, 2t प्लस 6 इक्वल टू 9, 15, 12, 18, ठीक है, ये 15। अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 बाय 2 कितना हो जाएगा 3। तो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 3। सेम इसी तरीके से हम y की, z की और t की वैल्यू फाइंड। नेक्स्ट है 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 और एलिमेंट इक्वल है 15 के, 2y इज इक्वल टू 15, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस में 3 कितना हो गया 18, 2y इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बाय 2 इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आई है 9 और z की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2z इज इक्वल टू 12 एंड z इज इक्वल टू 12 बाय 2 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 9 है, z की वैल्यू 6 है और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 एंड t इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6। तो समझ आ गया होगा आपको फर्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स गिवन है x प्लस 2y 3y 4x 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 8 2 मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल। तो हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल ऑन सेम इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करते हैं 4x है इक्वल में क्या रखेंगे 8, 4x की इक्वल क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बाय 4 इज इक्वल टू 2, समझ आ गया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड एलिमेंट 3y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 3 बाय 3 कितना हो जाएगा माइनस 1। तो समझ आ गया होगा आपको कि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की, और यहाँ पे हम इस रिलेशन का यूज करें तो x और y की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पे 4x और 3y को यूज किया है। तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो x माइनस वाई प्लस में कितना हो जाएगा 3 एंड 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 4 प्लस 1 x प्लस 0 6 माइनस 1 एंड जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है 6 0 0 5 5 2x प्लस y, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 3 ये 5 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 एंड x 5 6 0 0 5 2x plus y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5।
तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमें फाइव एलिमेंट, जो फाइव है यहाँ पे एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये तो क्या आपस में इक्वल ही है। हम सोल्व करेंगे तो जो नंबर है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एक्स, वो तो किसके इक्वल होगा, 2x+y के इक्वल होगा, ठीक है। एंड यहाँ से इक्वल में जीरो रह जाएगा 2x+y, और प्लस का x क्या हो जाएगा माइनस। इक्वेशन बनेगी 2x-x x+y = 0, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है x-y+3 = 6, x-y = 6-3, कितना हो गया 3। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बनी है, फर्स्ट तो है x+y = 0 एंड सेकेंड है x-y = 3। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, और फिर फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। y और y कितना आ जाएगा, 2y। एंड 0-3 कितना आ जाएगा, -3। एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। समझ आ गया कि y की वैल्यू कितनी है, -3/2। एंड y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो फिर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई है, प्लस की जगह हम यहाँ पे वैल्यू है वाई की, -3/2 = 0। एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस, तो यहाँ पे आंसर आएगा +3/2। तो समझ आ गया होगा, हमने दोनों इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स को ऐड किया है और फिर कंपेयर किया है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनी थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व करके हमने एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड की है। तो समझ आ गया होगा आपको ये फर्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है, मैट्रिक्स गिवन है 3 और एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इक्वल में हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x 3y 3z 3w = दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x+4 -1 + z और w 6 + x + y 2w + 3। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, 3x = x+4। एंड वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, 3x प्लस का x क्या हो जाएगा, -=4, 2x = 4 एंड x = कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट है 3y = 6 + x + y, y को हम एक साइड करते हैं, 3y - y = 6, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे कितना रह गया, 2y = 8 एंड y = 4। समझ आ गया होगा इतना। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पहले हम w की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से 3w = 2w + 3, तो ये माइनस हो जाएगा, 3w - 2w = z, ये 3। (3w - 2w = 3) एंड 3-2 सिंगल ले जाएगा यहाँ पे, और कितनी वैल्यू आ गई w की, 3। और अब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3z = -1 + z + w, तो z को हम एक साइड करेंगे, 3z - z = -1, प्लस में w की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे कितना रह गया, 2z 3-1 2 एंड z = 1। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट आपका कंप्लीट है, तो क्वेश्चन भी आपका ये 9th कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको ये। तो 10th क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।